हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु आज के दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने सुबह से लेकर अभी तक संभाला है। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने इस नए महीने में प्रवेश कराया। प्रभु जी आपकी महिमा और आपकी स्तुति करते हैं। उन सारी भलाइयों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो कि आपने सभी भाई बहनों के जीवनों में अद्भुत काम किया पिता परमेश्वर। हम आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपकी तारीफ करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सभी लोग आज प्रभु की स्तुति करें, प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की महिमा करें। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर ने जो संभाला है ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि अभी तक परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है और अभी तक हम प्रभु में बने हैं और ये परमेश्वर का अनुग्रह है। इन सभी बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, जो प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम किया। इसके लिए प्रभु की स्तुति करें, प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं सारी भलाइयों के लिए। प्रभु जी आपकी स्तुति महिमा तारीफ करते हैं। क्या आप जानते हैं, क्या आप सभी लोग जानते हैं कि आप परमेश्वर के मंदिर हैं? हालेलुया, यस, हम परमेश्वर के मंदिर हैं। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। प्रभु यीशु मसीह जो हमारा परमेश्वर है, वो हमेशा वो अपने पवित्र मंदिर में निवास करता है, वही विराजमान होते हैं। कहां पर होते हैं? पवित्र मंदिर में। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि आप जानते हैं कि पवित्र मंदिर आखिर है कौन? हालेलुया, ये पवित्र मंदिर और कोई नहीं, यह हमारी देह है। परमेश्वर वहां निवास करता है। जैसे कि अभी आपने परमेश्वर के वचन को देखा, भजन संहिता 11 अध्याय 4 वचन में कि परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। तो परमेश्वर पवित्र मंदिर में विराजमान होता है। तो पवित्र मंदिर कौन है? आप है, मैं हूँ, वो हमारी देह है, हम उसके पवित्र मंदिर है। हालेलुया, परमेश्वर हमारे अंदर में निवास करना चाहते हैं, वास करना चाहते हैं। हालेलुया, कितने लोगों को प्रभु का वचन समझ में आ रहा है कि आप और हम पर, हम क्या है? पवित्र मंदिर, यह हमारी देह है, इसमें प्रभु निवास करना चाहता है। सोचो जब प्रभु हमारे अंदर वास करता है तब हमारे जीवन में क्या होता है? जब वो हमारे अंदर निवास करता है तो सारी अंधकार की शक्तियां खत्म हो जाती है, मिट जाती है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या, सब खत्म हो जाती है। हालेलुया, वो हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, जो देखो जब हम अपने जीवन में अपना शरीर को जब पवित्रता में लेकर चलते हैं तो प्रभु वहां वास करते हैं। लेकिन जब हम गलत कामों में इधर उधर में चले जाते हैं तो फिर वहां से परमेश्वर निकल जाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। जब प्रभु हमारे अंदर वास करते हैं तो वो हमारी जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, वो प्रभु सब जानते हैं। लेकिन अब हम पवित्रताई में चल रहे हैं तो जो पवित्रताई में किसके अंदर निवास करता है? जो पवित्र है, जो पवित्रताई में चलता है, जो अपनी आंखों को गलत चीजों देखने से रोक रखता है, जो मुंह के तरफ बोलने से गलत गाली देने से कुछ गलत बात बोलने से रोक रखता है, जो अपने हृदय के में जो गलत बातें आती है उसको भी मतलब वो आने से रोक पहले ही रखे रहता है, पैरों से बुरे मार्गों में जाने से रोक रखता है। इस तरीके से वो अपने आप को पवित्र परमेश्वर के वचन के द्वारा क्या करता है? रोज प्रार्थना करता है, पवित्रताई में चलता है, तो प्रभु उसके अंदर निवास करते हैं। प्रभु का धन्यवाद जिसके जीवन प्रार्थना का जीवन है, जो वचन पढ़ता है, जो पवित्रताई में चलता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया, तो सोचो आप प्रभु के पीछे चल रहे हो, पवित्रताई में चल रहे हो, तो क्या प्रभु आपकी जरूरतों को नहीं जानेगा? क्या परमेश्वर की जरूरतों को नहीं जानोगे कि आपके कि बेटे बेटियों को, संतानों को किस चीज की आवश्यकता है? प्रभु हर चीज जानता है और आपके जीवन में सब कुछ मुहैया करके देगा, 100% देगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है, वो सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। देखो जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, भजन संहिता 18:6 वचन में तो वहां पर दाऊद क्या कहता है? अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। किस समय में? अपने संकट में मैंने परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। सोचो जब हम संकट में पुकारते हैं तो वह हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। परमेश्वर हमारे पास, वो दूर नहीं है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। देखो आज आप कितने कष्टों में, मुसीबतों में जा रहे हैं, जब आज ही आप पुकारोगे तो प्रभु आपको बचाने के लिए आएगा। आज ही इसी वक्त आप प्रभु को पुकारोगे तो प्रभु आपको श्योर है, आपको ऐसे नहीं छोड़ेगा, प्रभु जरूर बचाएगा। आपके संकट में परमेश्वर सहायक होकर रहेगा।
इसलिए तो भजनकार क्या कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान बल है और अति सहज से मिलने वाला सहायक है। परमेश्वर हमें सहज से मिलने वाला हमारा सहायक है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। बस आपको क्या करना है, अपने मंदिर को पवित्र करना है, जो हमारा दिल है, हमारा हृदय है, हमारी आत्मा, हमारा मन है, उसको क्या करना, पवित्रता में चलना है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद और प्रभु की स्तुति हो। आज जब अपनी आंखों से गलत चीजों को देखने से रुकोगे तो प्रभु कितने खुश होंगे। पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलेगा। कितने लोगों जो पवित्र आत्मा का अभिषेक को खो दिया, कितने लोगों जो पवित्र आत्मा अभिषेक तो है लेकिन पता नहीं मिला है कि नहीं, कंफ्यूज में है। कितने लोगों के पास पवित्र आत्मा अभिषेक है लेकिन वो प्रार्थना ही नहीं करते, पवित्र आत्मा अभिषेक के भरकर प्रार्थना ही नहीं करते। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपकी अगुवाई करेगा और यही आगमन के लिए आपको ऊपर उठाने के लिए, मतलब जब प्रभु यीशु मसीह में आगमन होगा, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, बादल में आएंगे तो हम सब बादल में उठा लिए जाएंगे, जिनके जिनके पास पवित्र आत्मा का अभिषेक है। पवित्र आत्मा का अभिषेक सहायता करेगी। उसके बाद जैसे प्रभु का आगमन होगा उसके बाद पवित्र आत्मा नहीं रहेगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। तो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करने के लिए दिया गया है। रास्ता परमेश्वर हमारी अगुवाई करेंगे। वो गलत रास्ते में जाने से बचाता है, वो बातें करता है। हालेलुया, वो आत्मा बयान से बाहर होकर विनती करता है, प्रार्थना करता है, निवेदन करता है, भर भर कर। आत्मा यदि आपको गलत रास्ते में जा रहे हो तो पवित्र आत्मा बोलेगा नहीं, यहाँ मत जा, आपके लिए रास्ता खोल के देगा। आपको आत्मा अगुवाई करेगा, चल तू इतने घंटे प्रार्थना कर, चल तू इतना कर, चल तू अभी मत जा, चल तू ये कर, चल वो कर। ये है आत्मा की अगुवाई, जो मेरे साथ कितनी बार हो चुकी है और अभी भी आत्मा की अगुवाई हो रही है। प्रभु का धन्यवाद और प्रभु की स्तुति हो। जब हम प्रभु को पहला स्थान देते हैं तो प्रभु खुद प्रसन्न होते हैं। प्रभु हमारे जीवन में सब कुछ ठीक करते हैं, पूरा करके देते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद और प्रभु की स्तुति हो। इसलिए जो भी हम बोलते हैं उसमें हमें क्या करना चाहिए, एकदम कुछ भी मुंह में आ जाए वैसे नहीं बोलना चाहिए। प्रभु हमारी सारी बातों को सुनता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। क्योंकि जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 12:37 में पढ़ते हैं, यीशु ने कहा, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। देख लो कितनी बड़ी बात है कि अपनी बातों के कारण निर्दोष, अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। इसलिए मसीह में भाइयों बहनों, प्रभु में जो है लोग, इसलिए मैं परमेश्वर के जो भी बोलना है सोच समझ करके बोलना चाहिए, परमेश्वर का भय रखना चाहिए, प्रभु के डर में चलना चाहिए। कुछ भी निगेटिव बात, कुछ भी गलत चीज नहीं बोलना चाहिए। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। कोई भी गंदी बात आज हमारे जीवन में कोई गंदी बात नहीं होना चाहिए। वो लेखा लेगा, वो दोषी ठहरा जाएगा। जो ऐसी ऐसी चीजों में जो चल रहे हैं, जो गाली देकर कई लोगों को बात करने की आदत है, विश्वासी लोग भी ऐसा ही काम करते हैं, गलत चीजों को श्राप देना, झूठ बोलना, गलत कामों को करना, तो ये सब बातों से हमें दूर रहना चाहिए, परे रहना चाहिए। क्योंकि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, प्रभु का वचन कहता है, ताकि जब आप बोले तो आपके मुंह से अनुग्रह, मतलब सुनने वाले पर अनुग्रह हो, प्रभु का वचन कहता है। इसलिए पवित्र आत्मा के शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कला और निंदा सब बैर भाव समय तुमसे दूर किए जाए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद और प्रभु की स्तुति हो। प्रभु में सदा आनंदित रहे। बस अपना जीवन को पवित्रताई में होकर चले, पवित्रताई में चले। हम सब परमेश्वर के मंदिर है, हम सब। हालेलुया, प्रभु चाहता है कि हम पवित्रताई में चले, तभी परमेश्वर उसके जीवन वास करेगा। पवित्र आत्मा मिल तो जाता है लेकिन पता नहीं चलता कब चला गया। जब हम गलत चीजों में पड़ जाते हैं, जब झूठ बोलते हैं, गाली देते हैं, यदि हम कोई गलत चीजों को देखते हैं अपनी आंखों के द्वारा, तो वो पवित्र आत्मा शोकित होता है। अब बताओ कोई गंदगी फिल्में देख रहे हैं तो पवित्र आत्मा भी है आपके अंदर है, तो क्या पवित्र आत्मा तो जो है परमेश्वर का जो आत्मा पवित्र आत्मा, तो क्या वो भी गंदी फिल्में देखेगा? अब जो देखोगे फिर वो देखेगा, फिर वो शोकित होता है, वो दुख होता है, फिर वो चले जाता है। आपके अंदर पवित्र आत्मा है। यदि आपको एक ऐसी जगह में जा रहे हैं जहाँ बहुत ही गंदगी से बहुत ही गलत गलत चीजें हैं हो रही हैं, वहां पर आप जा रहे हैं, तो क्या पवित्र आत्मा ऐसी जगह में रह सकता है? वो शोकित होता है, वो दुख होता है, फिर वो चला जाता है। इस तरीके से पवित्र आत्मा चले जाते हैं। इसलिए माफी मांगो आज परमेश्वर से, प्रभु जी मैंने पवित्र आत्मा को शोकित किया, मैंने दुख दिया, मैंने गलत काम किया, मैंने गंदगी चीजें देखी अपनी आंखों से, मैं बुरे रास्तों में गया, बुरे मार्गों में गया, प्रभु जी मुझे माफ कर दीजिए। ये मंदिर जो, ये जो हृदय, ये देह सब आपका, प्रभु जी मुझे पवित्र बना दीजिए, मुझे पवित्र बना दीजिए, मुझे पवित्र बना दीजिए करके प्रार्थना करें, माफी मांगे परमेश्वर से। हालेलुया, जो प्रभु इसने मैंने मैं लेकर आई, या ब्लेसिंग्स का ये मंथ है और इसमें 100% आपको आशीष मिलेगी। बस आपको क्या करना, अपना जीवन को क्या करना है, प्रभु के आगे सरेंडर कर दीजिए।
आप अपने जीवन में अद्भुत कामों को देखने वाले हैं। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, जितने लोग आज परमेश्वर आपके सम्मुख में आए हैं और जो मैं परमेश्वर पिता जो माफी मांग रहे प्रभु, जो उन्हें माफ करना, अपने लहू से धोकर साफ करो पिता परमेश्वर। नए महीने में आपके जीवन में आशीष को लेकर आए, आपके जीवन में जो पिछले महीने में नहीं कर पाए वो इस महीने में आप कर पाए। आपकी आशीषें मिलने जा रही है प्रभु यीशु के समर्थ नाम में। अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर, प्रभु मुझे पवित्र बना दे, प्रभु मुझे पवित्र बना दे, प्रभु जी मुझ पर दया कर, मुझ पर रहम कर, अनुग्रह मांगे प्रभु जी। ये नशा को छोड़ना चाहता हूँ, आज से गंदी बात नहीं बोलूंगा, आज से इन चीजों को नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगी, प्रभु मुझे माफ कर दे। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, अपने लहू से धोकर मुझे साफ कर दे, मुझे पवित्र कर दे पिता परमेश्वर। सभी प्रार्थना करे बोले प्रभु जी पाक बना, मुझे तेरी मानिंद बना। ओ लॉर्ड जीसस, आपकी स्तुति महिमा आपकी जय जयकार करते पिता परमेश्वर। अपने लहू से धोकर मुझे साफ कर दे, पाकर पवित्र कर दे। महिमा मैं परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। प्रार्थना करती सब पवित्र होकर बदल जाए ये महीना, मेरे आशीष ये महीना ये ब्लेसेड मंथ है मेरे लिए। बोले हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। अपने ब्लेस कर दे, मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रार्थना करती हूँ जो पवित्रताई के रास्ते में चल रहे, जो बुरी आदतों से घिरे हुए हैं, जो गलत कामों में हैं, जो कि नशा करते हैं, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम समर्थन नाम में डांटती हूँ, आजाद हो जाए। जो गंदी बातें बोल बोल कर बातें करते, गंदगी बात आपके मुँह से हमेशा निकलती है, गंदी मजाकें निकलती, गंदी गंदी बातें निकलती है, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु के समर्थन नाम में, आजाद हो जाए। बिटली बड़ी दमाटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। किसी जीवन के बारे में कोई शराब, किसी के जीवन के बारे में कोई गलत बातें ना बोले, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए हर एक बुरी आदतों से। जो लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं उनको पता ही नहीं कि ये भी बहुत बड़ा पाप है, मैं प्रार्थना करती हूँ इन चीजों से आजाद हो जाए। जो आप प्रभु को कितना दुख दे रहे हो, मैं डांटती हूँ आजाद हो जाए यीशु के समर्थन नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु के समर्थन नाम में जो बच्चे अपने माँ बाप को धोखा दे रहे, झूठ बोल रहे और गलत कामों को कर रहे, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु के समर्थन नाम में। प्रभु यीशु के समर्थन नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ जो नशा करते हैं, जो शराब करते हैं, जो चाइना स्मोकर है, जो सिगरेट पीते, जो बच्चे हों चाहे बड़े हों, कोई भी है, प्रभु यीशु के समर्थन नाम में उन बुरी आदतों से आजाद हो जाए, उन नशे से आजाद हो जाए। और जो ड्रग्स लेते हैं चुपके चुपके, मैं प्रार्थना करते आजाद हो जाए। जो बेचते हैं और जो खरीदते हैं, मैं प्रभु यीशु के समर्थन नाम में डांटते आजाद हो जाए। बिटली बड़ी दमाटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के समर्थन नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया। जो भाई बहन बीमार है, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, प्रभु यीशु के समर्थन नाम में बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बिटली बड़ी दमाटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं डांटती इसी वक्त आजाद हो जाए यीशु के समर्थन नाम। हमारी बीमारी जाए, बोले मेरे शरीर से बीमारी जाए, बोले डांटे यीशु के समर्थन नाम में बीमारी जाए, यीशु के समर्थन नाम में बीमारी जाए। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु अपनी सारी बीमारी से छुटकारा दिया, चंगाई कर दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ एक जन को, मैं यीशु के नाम में कवर करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ बीमारी चाहे डिप्रेशन हो, चाहे वो हार्ट के प्रॉब्लम हो, कोई लाइलाज बीमारी हो, चाहे आपकी किडनी में प्रॉब्लम है, चाहे पथरी हो, चाहे रसोली हो, चाहे गिल्टी हो, प्रभु यीशु के समर्थन नाम में डांटते जाओ तो चंगे हो जाए। आपकी हड्डी की प्रॉब्लम, आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम चाहे, आपकी पीठ के दर्द चाहे, प्रभु यीशु के समर्थन नाम में। हालेलुया। सर्वाइकल की प्रॉब्लम, आपकी हड्डी के रोगों की समस्या जाए यीशु के समर्थन नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जाओ यीशु के समर्थन नाम में। हालेलुया। प्रभु अपने आजाद करते छुटकारा दे दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ बिजनेस को, आपकी कमाई के हिस्से को ब्लेस करती हूँ, वो खुल जाए द्वार प्रभु यीशु के समर्थन नाम में। जिनके पास जॉब नहीं है, काम नहीं है, मैं जॉब और काम के लिए आशीष की घोषणा करती हूँ आपके जीवन प्रभु यीशु के नाम के जो, थैंक यू जीसस प्रभु, दया करो। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम के जो, प्रभु जी दया करो पिता परमेश्वर। प्रार्थना, मैं जॉब और आशीष की घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के समर्थन नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति करो, यीशु के समर्थन नाम में डांटते जाते जाए बैठी नाम जीसस। जिनके पास जॉब नहीं, काम नहीं, उसको आशीष की घोषणा करती हूँ उसके जीवन में प्रभु यीशु के समर्थन नाम में। प्रभु अपने ब्लेस कर दिए, छुटकारा दे दी। मैं धन्यवाद करती हूँ, सर प्रार्थना को सुन लिया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपकी कमाई का हिस्से को ब्लेस करती हूँ। आपका केस में आप फतह पाने जा रहे यीशु के समर्थन नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनको रात को नींद नहीं आती, प्रभु आज रात को मीठी प्यारी नींद दे। परमेश्वर आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करके दे। हर एक डर भय की आत्मा से आजाद हो जाए प्रभु यीशु के समर्थन नाम में। जो दुष्ट आत्मा तंग करती है, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु छुटकारा दे दिए, धन्यवाद करती हूँ। शादीशुदा जीवन मैरिड लाइफ को ब्लेस करती हूँ प्रभु यीशु के समर्थन नाम में। आशीषों का बदल जाए प्रभु। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। और अब जल्द आने वाले उसको तैयार कीजिए प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगते हैं, उसने कबूल कर लीजिए पिता। आमीन। ये नया महीना आपके जीवन में आशीष को लेकर आएगा और आशीष से भरपूर होंगे और पवित्रता में चले। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। तो आज की प्रार्थना को शेयर करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले। प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर दिया गया, विश्वास के साथ प्रार्थना करें। और गवाही के लिए जो नंबर दिया गया, गवाही को शेयर करना ना भूले। और अपना कमाई का जो दसवां हिस्सा है, जो टाइथ है, जो जर्सवांस है, ऑफरिंग, थैंक्स गिविंग, आप ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू, जैसे कि फोन पे होता है, गूगल पे, पेटीएम के द्वारा दे सकते हैं और बैंक के थ्रू भी दे सकते हैं। प्रभु में सदानंदित रहे, प्रभु में वफादार रहे, हर्ष और खुशी के साथ देने वाले से प्रभु आनंद होता है, खुश होते हैं, प्रभु उसको ब्लेस करते हैं। इस मिनिस्ट्री की प्रार्थना करें मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए, ताकि और हम परमेश्वर के वचन को शेयर कर सके, लोगों को बचा सके। इतने काफी नहीं, बल्कि सिद्ध बना के परमेश्वर के राज्य में उपस्थित कर सके। आप सभी लोगों को
प्रभु आशीष दे, बहुतायत की आशीष दे, आपकी सारी कमी कटी को दूर कर आपके जीवन में सब कुछ पूरा करके दे। प्रभु में सदा आनंदित रहे, प्रभु को आशीष दे, आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी बोले हालेलुया।